प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों का सरल ऐप पर परीक्षा सफल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 2 साल के वैश्विक महामारी के बाद बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। कोविड महामारी से बच्चों की पढ़ाई में जो नुकसान हुआ उसको आकलन करने के लिए बच्चों की एक परीक्षा करवाई जा रही है। मंगलवार को कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों का परीक्षा हुआ है और बुधवार को कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों का परीक्षा संपन्न हुआ है, जिससे कि छात्रों के पढ़ाई के लेवल को जाना जा सके। इस परीक्षा में ओरल रीडिंग, गणित, अंग्रेजी की परीक्षा की गई है, जिसको मार्कशीट में भरकर उसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। उसके बाद निपुण भारत सेंटर से बच्चों को, अभिभावकों को, अध्यापकों को रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इस एग्जाम से बच्चों को दक्ष बनाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर के प्रधानाचार्य इंद्रावती सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, देखिए चेक करिए सही है पढ़िए देखिए नाम विद्यार्थी का नाम तो विद्यार्थी के नाम भी सभी क्वेश्चन और पढ़िए पढ़िए बच्चों का एग्जाम चल रहा है कक्षा 4 से लेकर 8 तक, किस तरह का एग्जाम है और किस तरह का एग्जाम दे ये सरल ऐप के माध्यम से जो है मासिक आकलन की परीक्षा है बच्चों की। तो हमारे वहाँ तो प्राथमिक है, 1-3 का कल हुआ, आज 4-5 का है, 9 से 10 एक घंटे का पेपर है जिसमें हिंदी और गणित का क्वेश्चन है और हमारी परिवेश से भी जो है कितना बच्चों को फायदा होगा इस तरह का एग्जाम करवाने से। बताया जा रहा है कि हर तीन महीने पे इस तरह का एग्जाम होगा। आप नहीं देखिए इसमें बच्चों को भी फायदा है और टीचर शिक्षक हमारा ये समझता है कि हमारा बच्चा किस स्तर पे है और उसको हमें किस बच्चे पर कितना फोकस करना है कि वह हमारा बच्चा जो है उस लेवल में आ जाए। तो फायदा तो है इसका। एग्जाम भी बता रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट भी इसका आ जाएगा। हाँ, तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही सरल ऐप के माध्यम से आ जाएगा जो हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों में भी एक ललक है कि हम कितना जान रहे हैं, कितना पाए हैं और हमें कितना और जानना है। और टीचर का भी एक है कि हम अपने क्लास के विभिन्न छात्रों के स्तर को जान पाएंगे और उस स्तर से हम प्रयास करेंगे कि हमारा बच्चा किस स्तर पे है और किस स्तर पर ले जाना है। हाँ जी, तो 2 साल के वैश्विक महामारी के बाद
बच्चे स्कूल में वापस आए हैं उनका दक्षताओं में जो नुकसान हुआ है उसको आकलन करने के लिए एक परीक्षा की जा रही है और 1 से 8 के बच्चों को ये परीक्षा की जा रही है। कल 1 से 3 के बच्चों को परीक्षा की गई थी जिसमें उनके ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, मैथमेटिक्स, नंबर आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी सभी की परीक्षा की गई थी और OMR शीट में भर के उसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा और उसके पश्चात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनका रिपोर्ट कार्ड सृजित करते हुए निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर से बच्चों को, अभिभावकों को और हमारे टीचर्स को भी रिपोर्ट कार्ड प्रेषित किए जाएंगे कि बच्चों का वर्तमान दक्षता क्या है और आगे जो निपुण भारत की निर्धारित दक्षताएं हैं वो प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को मदद मिलेगी और करते रहेंगे ताकि आउटकम बेस्ड प्रणाली हमारे शिक्षा विभाग की हो जाए। और इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, बहुत ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस प्रणाली का विकास किया गया है और इस तरह के सिस्टम से हम पूरी व्यवस्था को आउटकम बेस्ड और लर्निंग आउटकम बेस्ड बनाने में कामयाब हो पाएंगे।